अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर लूट व हत्या का अपराध कारित करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध खजनी थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि लूट जैसी घटना कारित करना व विरोध करने पर हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले 3 अपराधी सोनू पुत्र गोली, संजय पुत्र मोहन और मंगरू पुत्र नंदनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों थाना क्षेत्र खजनी में एक व्यक्ति की टेम्पो में डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला व्यक्ति है और टेम्पो उसी का है जो उसकी आजीविका का साधन है। पुलिस ने तत्काल हत्या का अभियोग बनाम अज्ञात दर्ज किया। परंपरागत मुखबिरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इन सब के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ और पता चला कि टेम्पो चालक अपने गांव के करीब पहुंचकर अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बात कर रहा था। उसी समय वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों ने उसका मोबाइल लूटने की योजना बनाई और मोबाइल लूट लिया तथा इसी गुत्थम गुत्थे में उसको धारदार हथियार से वार किया और उसका टेम्पो सहित उसको ड्राइविंग सीट पर बैठा के सड़क के नीचे खेत में उतार दिया था। अत्यधिक रात भर रक्तस्राव हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में टेम्पो चालक का लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ और उससे इस पूरी घटना का अनावरण हुआ कि यह बेसिकली हत्या नहीं, लूट की गई और उसकी गुत्थम गुत्था में उस टेम्पो चालक की हत्या कर दी गई। तीनों अभियुक्त सोनू, संजय और मंगरू इस हत्या के मामले में लूट और अन्य धाराओं में जेल गए। आज थानाध्यक्ष खजनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से इनके विरुद्ध गैंग चार्ट का अनुमोदन करा करके गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। विवेचना से इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी की जाएगी कि इन्होंने अपराध से कौन कौन सी संपत्ति अर्जित की है, उसकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्की भी कराई जाएगी।